आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नेम द ह्यूमन टाइप्स ऑफ मिड प्लिस्टोसीन पीरियड। यहाँ पे बोला गया है कि कौन से ह्यूमंस पाए गए थे मिड प्लिस्टोसीन पीरियड में। तो मिड प्लिस्टोसीन पीरियड को लोनियन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। और ये ऐसा पीरियड है जो कि कब था, तो ये था 130,000 ईयर्स अगो, और उस पीरियड को कहा जाता था मिड प्लिस्टोसीन या फिर लोनियन पीरियड। और उस टाइम पे 3 टाइप ऑफ ह्यूमंस जो है वो पाए गए थे। पहला था जावा एप लाइक मैन, जावा एप मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि अकॉर्डिंगली 7 लाख ईयर्स पहले, 7 लाख से 1 लाख ईयर पहले जो है वो पाए गए थे। उसके बाद आए पर्किंग मैन्स। पर्किंग मैन्स का जो ब्रेन कैपेसिटी था वो बहुत ज़्यादा हाई था बाकी सबसे। और इनका अगर देखा जाए तो इनका इवोल्यूशन जो है वो अराउंड 5,50,000 ईयर्स अगो जो है पाया गया था मिड प्लिस्टोसीन पीरियड में, और ये बेसिकली पाए गए थे चाइना में। फिर आए थर्ड नंबर मैन, जिसको हिल्डरबर्ग मैन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कब पाए गए थे, तो ये पाए गए थे अराउंड 7 लाख ईयर्स अगो। और इनको कहे जाते हैं कि ये बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी रखते हैं होमो इरेक्टस से। होमो इरेक्टस के सब स्पीशीज भी कहे जाते हैं हिल्डरबर्ग मैन को। तो ये 3 टाइप के मैन जो है या फिर ह्यूमन जो है वो मिड प्लिस्टोसीन पीरियड में पाए गए थे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।